हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं समरी किस चैप्टर की, आपके क्लास 6 मैथ्स चैप्टर डेसिमल्स। यानी कि अभी तक हम क्या मेन चीज़ें सीख चुके हैं इस चैप्टर में। ये एनसीईआरटी बुक के ही पीछे समरी दी है, उसका हर एक पॉइंट हम डिस्कस करके एक बार रिवीजन करने वाले हैं। सो एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज्ड मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। तो एक बार ज़रूर विजिट करें magnetbrains.com। एंड वन मोर थिंग, एक और बात याद रहे कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बेस्ट वीडियो क्लासेस लेकर आ रहे हैं। हम आपको पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई भी फीस डिमांड नहीं करते हैं। सो आप बिल्कुल खूब मन लगा के इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स, ब्रदर सिस्टर्स सबको बताइए, सो दैट अब हर एक बच्चे का घर बैठे हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जाम्स में आप सभी लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। चलिए अब आ जाइए वापस। मैं बता रही थी आपको कि हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 6 मैथ्स से, चैप्टर का नाम है डेसिमल्स। और थोड़ी खुशी वाली बात है कि ये है जो आज की क्लास है ना हमारी, ये डेसिमल्स चैप्टर की लास्ट क्लास है। यस स्टूडेंट्स, यानी कि आज की क्लास में एक्चुअली हमें क्या करना है, आज समरी पढ़नी है डेसिमल चैप्टर की और फिर हो जाएगा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। सो जल्दी से, अब बिल्कुल जल्दी वैसे नहीं मचानी है ना, ध्यान से समझना है चीज़ें। एक बार एक तरीके से आपका आज की क्लास में रिविजन ही हो रहा है, सो दैट इसको चैप्टर को फिर हम क्लोज करके एक नए चैप्टर की तरफ फिर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें, अच्छा सबका रिवीजन तो सही चल रहा है ना, मैं बार बार जोर देती हूँ कि सबको रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहना है, नहीं तो आप पीछे की चीज़ें भूलते जाओगे। तो जो बच्चे रिवीजन करके आए हैं उनको पता होगा कि मैंने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। प्रीवियस वीडियो क्लास जो थी उसमें हमने क्या देखा था, वहाँ हम देख रहे थे आपकी ही एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 8.6 है उसके आखिरी के 2 क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन से हमने इन एक्सरसाइज को कर दिया था खत्म, 6th और 7th। देन एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं समरी। सो समरी का सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, मेरे साथ साथ सबसे पहले तो रीड करिए। लिखा है टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ वन होल। यानी कि हमने यहाँ क्या सीखा इस डेसिमल चैप्टर में, इसमें हमने सीखा है अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स ऑफ वन होल। 2 होते हैं होल, एक HOLE होता है होल, है ना, और एक क्या होता है, एक होता है WHOLE। क्या डिफरेंस है दोनों में? आप घर में कोई पेंटिंग टांगनी है आपको, तो उसके लिए आपको नेल लगानी पड़ती है दीवार पर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेल लगाने के लिए होल करना पड़ता है दीवार में। तो वो होल कौन सा होता है आपका, ये HOLE वाला। वहीं लेकिन अगर ये WHOLE लिखा है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है कंप्लीट। इस वाले होल का क्या मतलब होता है, कंप्लीट। अब ये सिर्फ मैथमेटिक्स में वर्ड यूज होने वाला नहीं है, ये हर जगह यूज हो सकता है। कोई भी एक कंप्लीट चीज है उसको आप होल बोलते हो। अ होल केक, पूरा केक क्या है, पूरा अभी कट नहीं हुआ केक, तो वो होल केक है ना, पूरा कंप्लीट है वो। और वहीं अब कट होके कुछ पीसेस खा चुके हैं हम उसके, कुछ पीसेस बच गए हैं, तो अब वो काय में डिवाइड हो गया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यानी कि कोई भी कंप्लीट चीज़ होती है, होल चीज़ होती है, उसको हम कट करके या कुछ किसी भी तरीके से डिवाइड कर देते हैं कुछ टुकड़ों में, जिनको हम पार्ट्स बोलते हैं, तो वही इस होल के पार्ट्स कहलाते हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो पूरा चैप्टर रहा था ना डेसिमल, ये किस चीज़ में, क्या चीज़ हमने सीखी इसमें, इसमें हमने सीखी है पार्ट्स ऑफ वन होल। एक कोई होल चीज़ है उसके पार्ट्स के बारे में हमने सीखा है। दैट इज अ यूनिट। एक पार्ट को हम फिर एक यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आया पिज्जा, अब उस पिज्जा के हमने कितने पीसेस करवाए थे? हमने उस पिज्जा के 4 पीसेस करवाए थे। क्योंकि हम 4 लोग हैं खाने वाले, तो हमने कहा क्या करेंगे अपन, एक एक पीस सब लोग खा लेंगे उस पिज्जा से। तो हुआ क्या, अब चारों पीसेस जो है वो पिज्जा के हम अनइक्वल करवाएंगे या इक्वल करवाएंगे? यानी कि क्या आप ऐसे चाहते हो कि एक पिज्जा आए घर में तो उसके 2 पीसेस बहुत, ये देखिए, बड़े बड़े हों और बाकी के 2 पीसेस बहुत छोटे हों? कोई भी नहीं चाहता। इनफैक्ट अपन तो कंपेयर करते हैं, जो पीस सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा वही पीस हमको खाना होता है, राइट? पर वो मोस्टली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो प्रॉपर तरीके से कट करके देते हैं कि चारों पीस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैंने कहा कि एक पिज़्ज़ा को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में किया है डिवाइड, तो चारों पार्ट्स अगर मिल जाएं तो वो अ होल पिज़्ज़ा बना देंगे, पूरा एक पिज़्ज़ा बना देंगे, है ना, होल पिज़्ज़ा। और वहीं अगर इन चारों पार्ट्स को मैं अलग अलग कर दूँ, एक पार्ट किसी ने ले लिया, एक पार्ट किसी और ने ले लिया, थर्ड पार्ट किसी ने ले लिया और फोर्थ पार्ट किसी ने लेके खत्म कर दिया, तो आप बताइए हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? अ यूनिट कहलाएगा, है ना। यानी कि एक तरीके से एक कंप्लीट पार्ट का हम एक सिंगल हिस्सा एक यूनिट, 2 हिस्से 2 यूनिट, 3 हिस्से 3 यूनिट, इस तरीके से चलते हैं, ठीक। तो कंप्लीट को भी हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और वहीं बराबर बराबर हिस्से हो रहे हैं तो क्या होता है, हम अगर उसमें देखें काय में, फ्रैक्शन में अगर हम लिखना चाहें तो आप एक हिस्से को क्या लिखोगे, 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ऐसे ही बोलोगे ना कि मैंने तो एक पार्ट खाया आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स हुए थे उस पिज्जा के, उसमें से एक हिस्सा, एक पार्ट, एक पीस जो है वो मैंने खाया है, तो मुझे कितना पार्ट मिला? फ्रैक्शन के हिसाब से लिखूं तो 1/4, जिसको हम 1/4 बोलते हैं। हुआ ये कि घर में मैं हूँ, मेरा भाई है, मम्मा है, पापा है, ठीक है, हम चारों लोग हैं। तो हुआ क्या कि मम्मा ने कहा कि हमको नहीं खाना पिज़्ज़ा, हमको ये वाला पसंद ही नहीं है, ये जो तुमने मंगवाया है। तो क्या हुआ, फिर मेरी नज़र मम्मा वाले पार्ट पे पहुँच गई, तो क्या किया मैंने, फिर जो मम्मा का जो हिस्सा था 1/4 वो भी मैंने ले लिया। तो अब मैंने कितने पीसेस खाए होंगे पिज़्ज़ा के? मैंने 2 पीसेस खाए होंगे पिज़्ज़ा के। तो 2 पीसेस को क्या मैं 2/4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। मैं फिर क्या बोलूँगी कि मैंने 2 पीसेस खाए हैं आउट ऑफ 4 इक्वल पीसेस, दैट मीन्स 2/4 पार्ट मैंने इस पिज़्ज़ा का खाया है। तो इसको 2/4 भी बोलेंगे हम, या फिर हम इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। ये भी हमने सीखा है, फ्रैक्शन में भी सीखा है पिछले चैप्टर में ये सब हमने। यानी कि नीचे 4 है, 4 का जस्ट आधा, ऊपर 3 है, 4 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से। तो एक तरीके से क्या हुआ, आधा पिज़्ज़ा खा लिया मैंने, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, 2/4 हिस्सा, जिसको हम 2/4 बोल सकते हैं या 1/2, दैट इज हाफ भी कहलाता है। 1/2 क्या कहलाता है, हाफ। ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। और अगर मैं कहूं कि किसी ने 3 हिस्से खाए हैं पिज़्ज़ा के, पापा ने भी मना कर दिया कि हम नहीं खा रहे। अब मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने कहा चलो पापा वाला जो हिस्सा है वो भी मैं ही गप कर जाती हूँ, है ना। सो हुआ क्या, तो अब मैंने कितने पीसेस खाए होंगे इस पिज़्ज़ा के, 1, 2, 3। तो अब मैं क्या बोलूँगी कि मैंने 3 इक्वल पार्ट्स खाए आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो ये क्या कहलाएगा, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं 3/4। क्लियर है? यानी कि मैंने इस पूरे पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा खाया, कितना पार्ट खाया, 3/4 पार्ट खाया। अब मेरा भाई तो वैसे भी चटोरा ही है, उसको भी पिज़्ज़ा पसंद है, उसने नहीं दिया मुझे अपना हिस्सा, तो उसने कितना हिस्सा खाया होगा, उसने तो अपना सिंगल एक ही पीस खाया है, दैट इज 1/4, 1 पार्ट आउट ऑफ 4th पार्ट। तो इस तरीके से हमने 1/4, 2/4 दैट इज हाफ, 3/4। अच्छा, अब पता चला कि घर में और कोई था ही नहीं, अपन को ही बहुत तेज लग रही थी भूख, तो अपन ने अपने ही लिए वो छोटा वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, उसके 4 पीसेस होके उन्होंने दे दिए, तो हम खुद ही गप कर गए चारों पीसेस। तो इसका मतलब मैंने कितना पिज़्ज़ा खाया होगा, फिर होल पिज्ज़ा, क्योंकि वो कंप्लीट पिज़्ज़ा फिर मैंने ही खा लिया। डिफरेंस समझ रहे हो? एक होल कंप्लीट चीज़ को आपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, किस तरीके से हमने उसके पार्ट्स क्या करे, अलग अलग नाम दिया उन पार्ट्स को। आगे लिखा है वी रिप्रेजेंट अ यूनिट बाय अ ब्लॉक। कोई एक यूनिट है, कोई एक कंप्लीट चीज़ है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एक ब्लॉक से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने देखा भी था चैप्टर की शुरुआत में कि यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्वायर है, ठीक। अब इस स्क्वायर के हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने इसके 10 बराबर हिस्से कर दिए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस एक स्क्वायर के मैंने 10 इक्वल पार्ट्स किए। फिर एक और स्क्वायर मिला मेरे को, उसके मैंने कितने पार्ट्स कर दिए? फिर से 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, इतने में ही हो जाएंगे, ठीक। सो यहाँ भी हमारे कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10। अब मैंने कहा ये तो मैंने पूरा ले लिया। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट बार है एक स्क्वायर शेप की, तो मैंने कहा ये 10 हिस्से तो लेना ही लेना है अपन को। उसके साथ इस बार में से हम कितने हिस्से ले रहे हैं? 1 2 3 4, 4 हिस्से मैंने यहाँ से ले लिए। मुझे अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट देनी थी, घर पे 2 चॉकलेट्स रखी हुई थी। दोनों चॉकलेट्स किस तरीके से थी? 10 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो किसी को एक दिया मैंने, एक टुकड़ा दिया उसका चॉकलेट का, किसी ने 2 ले लिया, किसी ने 3 ले लिया। तो एक पूरा बार मेरा खत्म हो गया। इसका मतलब ये कंप्लीट खत्म हो गया है, इसको मैंने कंप्लीट यूज किया है, तो ये 1 यूनिट है, ठीक है। इसको हम 1 ब्लॉक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं यहाँ पे मैंने कितना यूज किया? 1 2 3 4 5 ही हिस्से मैंने यूज किए हैं, 4 ही हिस्से मैंने यूज किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक यूनिट का क्या है 4, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने इस 10 बराबर हिस्सों में वो भी डिवाइडेड था, तो मैंने इसमें से 4 पार्ट्स यूज़ किए हैं आउट ऑफ 10 पार्ट्स। यानी 10 में से मैंने कितने हिस्से यूज़ किए? यहाँ पे सिर्फ 4 हिस्से यहाँ पे किए हैं यूज़। तो ये बेसिकली मतलब है। सो ये जो ब्लॉक वाला हिस्सा है ये आपको बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत ही हमने इसी टाइप के क्वेश्चन से की थी, राइट। तो पूरे एक यूनिट को हम कंप्लीट चीज़ को एक ब्लॉक भी बोल सकते हैं। फिर उसके आप जितने हिस्से कर रहे हो उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं कि 1 ब्लॉक डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स मीन्स ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ यूनिट। कि एक कंप्लीट जो ब्लॉक है वो अगर मैंने 10 बराबर हिस्सों में बांटा तो उसका हर एक पार्ट, ईच पार्ट क्या कहलाएगा? 1/10 कहलाएगा। हर एक पार्ट, वो एक पार्ट है 10 बराबर हिस्सों का, क्लियर। सो उसको हम 1/10 से 1/10 लिखते हैं फ्रैक्शन में, और वर्ड्स में आपको पता करना हो तो 1/10 इस तरीके से लिखा जाता है ऑफ अ यूनिट। अब ये 1/10 हिस्सा काय का है? कोई भी चीज़ फ्रैक्शन होती है तो वो किसी होल का रहता है ना। कोई भी हिस्सा है तो वो कभी किसी ना कोई चीज़ कंप्लीट होगी, उसी में से तो टूट के गिरा होगा, टूट तोड़ के निकाला होगा, हमने डिवाइड किया होगा कंप्लीट यूनिट को, तब जाके हमको उसका पार्ट मिला। तो यानी कि ये जो पार्ट है, ईच पार्ट जिसको हमने 1/10 बोला, वो 1/10 काय का है? इस पूरी एक यूनिट का, इस पूरे एक ब्लॉक का 1/10 हिस्सा है। उस एक ब्लॉक को 10 बराबर हिस्सों में बांटा होगा, उनमें से एक हिस्सा हमको कैसा मिला? 1/10, क्लियर। आगे दिया है इट कैन बी रिटर्न एज 0.1 इन डेसिमल नोटेशन। हमने और क्या देखा था इसमें कि हम 1/10 को और क्या लिख सकते हैं? अगर हम चाहें इसको डेसिमल में लिखना तो हम इसको 0.1 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको सिखा भी दिया था कि आपको याद ना करना पड़े कि 1/10 को 0.1 या 1/100 को 0.01 या 1/1000 को 0.001 इस तरीके से लिखते हैं, ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको। तो क्या तरीका था हमारा? मैंने कहा था कि नीचे अगर 1010 है, 100 यानी कि 100 है, 1000 यानी कि 1000 है, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन में, 1 के आगे कुछ नंबर ऑफ जीरोस लगे हैं, इस केस में आप उस नंबर को बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट। कैसे? आंसर हमेशा आएगा जो न्यूमरेटर है वही, ऊपर लिखा है 1, डेसिमल में कन्वर्ट होके 1 ही आएगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। अब देखो नीचे जितने जीरोस हैं उनको काउंट करो, यहाँ सिर्फ एक जीरो है, तो जो ऊपर जो भी नंबर लिखा है राइट साइड से एक डिजिट के आगे आपको डेसिमल लगाना है, यानी कि 1/10 एक्चुअली 0.1 है। अब लिखने और एक तरीके से बोलने की मैं बोल सकती हूँ सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 0.1 से डिनोट कर सकते हैं, है ना। मैंने बोला किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में आप कितने ही जीरो लगा दो, उससे उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। वहीं अगर मैं इस 1 के राइट साइड में जीरो लगा देती तो ये 1 क्या बन जाता, 10 बन जाता, तो वैल्यू तो चेंज हो गई। हम तो 1 लिख रहे थे, वो तो 10 लिखा गया। इसीलिए कभी भी अगर मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगी, जीरो लगाऊंगी, लेकिन वो नंबर के लेफ्ट साइड, ताकि उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज ना हो। तो हम 1/10 को लिखते हैं 0.1, 1/100 को क्या लिखेंगे, वो भी अभी आगे भी आएगा, इसमें बता भी देती हूँ। 2 जीरोज है, ऊपर 1 है, तो 1 राइट साइड से 2 नंबर, अब यहाँ तो एक ही नंबर है, तो 2 नंबर क्रिएट करने के लिए 0.1 लिख दो, 1 लिखो या 0.1 लिखो, बात तो एक ही है। अब 2 नंबर हो गए, राइट साइड से 2 नंबर के आगे आ जाएगा डेसिमल, और कोई नंबर नहीं है तो एक जीरो और लिख दो। तो ये 0.01 क्या है, 1/100 का डेसिमल फॉर्म है, 0.01 के बराबर। सो ये यहाँ पे बताया गया है कि आप इन फ्रैक्शंस को किस तरीके से इनका डेसिमल नोटेशन में लिख सकते हो। The dot represent the decimal point and it comes between the unit place and the 10th place। अब ये बहुत अच्छी बात बोल दी है, इस पूरे चैप्टर में मैंने भी ये बात को बार बार दोहराया था। क्या लिखा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट लगा होता है ना, यही डेसिमल कहलाता है। और वो कहाँ आता है, कहाँ लगाना होता है हमको डेसिमल, हमेशा डेसिमल आता है बिटवीन, यानी कि किसी ना किसी के बीच में। कौन है वो दो, जिनके बीच में आएगा, यूनिट्स प्लेस एंड 10th प्लेस। यानी कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर लिख देती हूँ रैंडम 2.57, तो अगर यहाँ डेसिमल लगा है तो ये डेसिमल किसके बीच में है, 2 के बीच में और 5 के बीच में। तो वो बोल रहे हैं डेसिमल या पॉइंट वहीं आता है, कहाँ, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस के बीच में। यूनिट प्लेस को हम वंस प्लेस भी बोलते हैं। तो यानी कि ये जो है, ये क्या है आपकी, वंस प्लेस है, और ये क्या है आपकी, 10th प्लेस है, राइट। डेसिमल के जस्ट राइट साइड होती है 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। वहीं डेसिमल के लेफ्ट साइड में वंस प्लेस, फिर 10th प्लेस, फिर 100th प्लेस एंड सो ऑन। क्लियर कहानी। तो ये हमने क्या देखा कि अगर कहीं भी डॉट या डेसिमल लगा है तो वो जो दो नंबर्स के बीच में है, वो दोनों नंबर्स वंस प्लेस और 10th प्लेस वाले ही होंगे। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। हमने क्या किया, हमें दिया था 2.3 में ऐड करना है 0.5, इस तरीके से। अब हमने इसको बहुत अच्छे से टेबल के थ्रू भी सीखा है ना, ऐड करना। तो आंसर 2.8 आएगा। अब हमने क्या कहा, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम एक्चुअली डेसिमल कहाँ लगाएं। तो देखिए, या तो दोनों नंबर्स में देख लो कहाँ लगा है। यहाँ डेसिमल राइट साइड से एक नंबर पे लगा है, यहाँ भी राइट साइड से एक नंबर पहले लगा है, तो आंसर भी राइट साइड से कहाँ आ जाएगा, एक नंबर पहले। क्लियर। सो इस तरीके से आप वंस और 10th प्लेस डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, every fraction with denominator 10 can be written in decimal notation and vice versa। बोल रहे हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। फ्रैक्शन 1/10, 2/10, 3/10, 5/10, 9/10, कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, आप उसको कैसे लिख सकते हो, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो। 1/10 क्या बन जाएगा, 0.1, 2/10, 0.2, 3/10, 0.3, 5/10, 0.5, 9/10, 0.9 एंड वाइस वर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका जस्ट अपोजिट भी ट्रू है, यानी कि हर एक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 है वो डेसिमल में कन्वर्ट होके लिखा सकता है। तो हर एक डेसिमल नंबर आपका फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो फ्रैक्शन को आप डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो, डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों ही चीजें सही हैं, ट्रू हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं, 1 ब्लॉक डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स मीन्स each part is 1/100th, जिसको हम 1/100th बोलते हैं of a unit. It can be written as 0.01 in decimal notation. क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने 10th का पीछा छोड़ दिया है, इन्होंने कहा इतनी ही कहानी थी हमारे पास 10th के बारे में. अब आ जाइए आप 100th पार्ट पे. ये क्या है, 100 नहीं है, HUNDRED नहीं है, D के आगे TH लगा है. ये क्या होता है कि अगर आपने किसी एक होल को, यानी कोई एक कंप्लीट चीज को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट्स में आपने कर दिया इसको डिवाइड, तो इसका हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 part out of 100 part. 1/100th 1/100 बोलते हैं इसे, या 1/100th बोलते हैं. इसी का डेसिमल नोटेशन अभी हमने देखा 0.01 के ऊपर का जो 1 है, नीचे के दो 0 बता रहे हैं कि उसमें राइट साइड से 2 नंबर के आगे क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा. तो अब ऊपर तो सिर्फ एक ही नंबर था, 2 नंबर कहाँ से लाएं, तो आप 1 के पहले लगा दीजिए 0, क्योंकि आप 1 बोलें या 01 बोलें मतलब सेम होता है. मैं कहूँ 1 मार्क्स आए हैं आपके, अच्छा मैम ठीक है, या मैं कहूँ 01 मार्क्स आए हैं आपके, उसका मतलब भी 1 ही है, राइट. इसका मतलब मैंने सिर्फ डिजिट बढ़ाने के लिए यहाँ 0 लिख दिया, मतलब चेंज नहीं हुआ है. अब लेकिन मेरे को काम ये हो गया कि 2 नंबर हो चुके हैं, उसके आगे डेसिमल लगाया, कोई और नंबर नहीं था तो एक 0 और लगा दिया, सो दैट ये डेसिमल कहीं गुम ना हो जाए, है ना. सो ये क्या बन गया, 0.01. इसका क्या मतलब है, 1/100 बोल रहे हैं. ये 1/100 काय का है, एक पूरी यूनिट का है, ये पूरा एक होल एक यूनिट था, इसी को 100 बराबर हिस्सों में बांटा, तो हर एक हिस्सा 1/100 बोला, 1/100 बोला, तो ये 1/100 काय का हिस्सा है, एक यूनिट का एक होल हिस्से का. इसका डेसिमल नोटेशन है 0.01. अब हर एक पॉइंट को इतने डिटेल में हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ समरी में, क्योंकि होता ये है आपके एग्जाम्स में बहुत बार देखा गया है कि यहीं से एक आध लाइन उठा के वो दे देते हैं आपको, मैं बोल सकती हूँ मैच द कॉलम टाइप कुछ में, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और फिर आप कहते हो यार ये तो पढ़ा ही नहीं था अलग से. हो सकता है सीधा एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दे दें, एवरी फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, और यहाँ कुछ ना लिखें, डैश कैन बी रिटर्न इन डेसिमल नोटेशन एंड वाइस वर्सा, या बोल दें 1 ब्लॉक डिवाइडेड इंटू डैश इक्वल पार्ट्स मीन्स ईच पार्ट इज 1/100, या क्या बोल दें 1 ब्लॉक डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स मीन्स ईच पार्ट इज, यहाँ डैश लगा दें. तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका आंसर कर पाओगे, इसीलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहीं से एक आध मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, फिर हमको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया मैम ने और 1 मार्क हमारा कट गया, तो अब फुल में से फुल मार्क नहीं आ पा रहे हैं. सो वो जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन होता है ना, जिसके लिए लड़ाई चलती है कि किसके फुल मार्क्स आए और किसके नहीं, वो यहीं कहीं से ढूंढ के क्वेश्चन बनाया होता है. चलिए आगे लिखा है, एवरी फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 कैन बी रिटर्न इन डेसिमल नोटेशन एंड वाइस वर्सा. अब वही चीज जो 10th के साथ पढ़ी कि कोई भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, उसको हम डेसिमल नोटेशन में रख सकते हैं और डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं हम फ्रैक्शन में. इन द प्लेस वैल्यू टेबल एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर बिकम 1/10 ऑफ प्रीवियस फैक्टर. प्लेस वैल्यू टेबल में कहाँ से शुरू करें, वंस से कर देते हैं. वंस, यहाँ 10th TH वाला, 100th 1000th, ठीक. वंस के इस तरफ क्या आएगा, 10s TENS वाला, 100s S वाला, 1000s, ठीक है. अब इसको लिखते कैसे हैं फ्रैक्शन में, वंस 1 लिखाता है, 10th 1/10 लिखाता है, 100th 1/100 लिखाएगा, 1000th 1/1000, 10 लिखाएगा 10, 100 लिखाएगा 100, 1000s लिखाएगा 1000. बोल रहे हैं कि जैसे आप इस प्लेस वैल्यू टेबल में कहीं से भी शुरू हो जाओ, ये लेफ्ट हिस्सा है, ये राइट हिस्सा है. तो जब हम प्लेस वैल्यू टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होते हैं ना, तो वो जो प्लेस वैल्यूज हैं हर बार हमें कैसे मिलती हैं, 1/10 का मल्टीप्लाई करके. 1000 था, 1000 में 1/10 का मल्टीप्लाई कराए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 × 1 100 मिल गया। फिर 100 था हमारे पास, उसमें 1/10 का मल्टीप्लाई किया, जीरो से जीरो कैंसिल 10 मिल गया। 10 था हमारे पास, उसमें 1/10 का मल्टीप्लाई किया, जीरो से जीरो कैंसिल 1 मिल गया। यानी कि जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो प्लेस वैल्यू टेबल में, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1/10 और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पे आप इनफैक्ट मार्क कर लेना, ये आ सकता है आपके फिलिंदा ब्लैंक्स में, क्योंकि ऐसे पॉइंट थोड़ा सा अपन छोड़ देते हैं। अपन को चीजें पता है, लॉजिक पता है कि क्या हो रहा है, पर हम ध्यान नहीं देते इस पे, है ना। आगे लिखा है द प्लेस वैल्यू टेबल कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फ्रॉम 100th to 1/10th of 100 दैट इज 1000। 1/1000 रिटर्न एज 0.011। बोल रहे हैं कि अगर आपको प्लेस वैल्यू टेबल को और आगे ले जाना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो राइट साइड आगे ले जाने के लिए क्या होगा, आप यही करते जाओ, 1/10 का मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर आपको थाउजेंड्स के बाद भी चाहिए तो 1/1000 में आप 1/10 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा देखिए। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 × 1 1, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। अब 3 0 और 10 कितने हो जाएंगे, 4 0, तो 1/10,000 हो जाएगा ये। तो यानी कि आप प्लेस वैल्यू टेबल को इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑल डेसिमल कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, हमने पढ़ा था हम हर एक डेसिमल को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अलग से हमने मैं बोल सकती हूँ कंसेप्ट भी पढ़ा था, और बहुत सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे सॉल्व। लिखा है आगे एवरी डेसिमल कैन बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शन, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं कि हर एक डेसिमल को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। Any two decimal numbers can be compared among themselves. The comparison can start with the whole part. If whole part are equal, then tenth part and compared and so on. बोल रहे हैं आप कोई भी दो डेसिमल को कंपेयर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप सबसे पहले उसके वन से सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाला देखो। यहाँ पे जैसे 3 है 2 है, तो पता चल गया सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू इसकी 3 है, यानी कि ये बड़ा नंबर है, ठीक, और ये छोटा है। इन दोनों में से ये बड़ा हो गया। वहीं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो यहाँ तो दोनों में 2 है, तो ये तो बराबर हुए। तो जब बड़ी वाली प्लेस वैल्यू इक्वल हो तो फिर हम आगे की प्लेस वैल्यू पे बढ़ते हैं राइट साइड। फिर देखा यहाँ 5 यहाँ 3, 5 बड़ा होता है, यानी कि अब इन दोनों में ये नंबर बड़ा। अगर ये भी बाय चांस इक्वल होते, जैसे कि यहाँ लिख दूं मैं 3 9, तो अब पहला भी नंबर सेम है, दूसरा भी सेम है, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन छोटा कौन बड़ा, तो हम तीसरे पे जाएंगे। यहाँ 7 है यहाँ 9 है, यानी कि ये बड़ा है इन दोनों में से। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं डेसिमल नंबर्स को। Decimals are used in many ways in our life. For example, in representing units of money, length and weight. हमने देखा अभी कुछ पिछले क्वेश्चंस किए थे कि जो डेसिमल है वो हमारी लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में बहुत सारी जगह यूज होता है। जैसे कि कभी मनी लिखें हम, तो जैसे कि मैं बोलूँ रुपीज़ 1579 की कोई चीज़ आई है, इसका मतलब 1500 रुपीज़ है और 79 पैसा है। रुपीज़ के फॉर्म में डेसिमल में हम लिख सकते हैं। ऐसे ही लेंथ के लिए हम बोल सकते हैं कि कोई लेंथ है हमारे पास, लेंथ है आपकी 2.5 मीटर, तो ये क्या है 2.5 मीटर हमने लिखा है, यानी कि 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी तरीके से आप क्या वेट, वजन हम नापते हैं, आया 40.500, यानी कि 40 kg पूरा है और 500 ग्राम और एक्स्ट्रा है। तो ये सारी जगह है जहाँ पर डेसिमल्स का बहुत यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रीफ में पढ़ी, इनके एग्जाम्पल्स सॉल्व करे इस चैप्टर में, और क्या क्या सॉल्व किया हमने, और बहुत सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करे। अब आपका काम ये है कि अगली क्लास से तो मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवाऊंगी। नए चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग, पर आपको पहले इस चैप्टर से बिल्कुल खुश होकर बाहर निकलना है, यानी कि ऐसा कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आता। इसलिए कम से कम 2 से 3 बार अपनी कॉपी में इसके क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर देख लेना। हम अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।